भूल गए हम, याद करें फिर ये भारत भूमि कितनी महान, इतिहासों में झांक ले फिर से, ढूंढ ले खोया सा अभिमान, जो भविष्य को सवारे हरदम, गढ़ ले एक ऐसा वर्तमान, ये भारत भूमि कितनी महान। आशा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। कानून तो बनाए जा सकते हैं लेकिन उन पर अमल हो, इसके लिए सरकार के साथ साथ लोगों की भी भागीदारी की जरूरत पड़ती है। बाल विवाह एक गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर यह कुप्रथा अभी भी चल रही है। मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी महिला से जो खुद चाइल्ड अब्यूज का शिकार रही है लेकिन फिर भी तकरीबन 1000 लड़कियों को इस कुप्रथा से उन्होंने बचाया है। और इतना ही नहीं, जिन्होंने ये अपराध किया है उनको दंड दिलवाने में भी सफलता पाई है। आइए मिलते हैं राजस्थान जोधपुर की कृति भारती से। मेरे फादर ने मुझे मेरे जन्म होने से पहले ही अबैंडन कर दिया था, बट क्योंकि मेडिकल कंडीशंस मेरी मदर की ऐसी नहीं थी कि अबॉर्शन हो सके तो मेरा जन्म हुआ। आई एम अ 7 मंथ बॉर्न बेबी, तो बहुत मुश्किलों से जन्म हुआ। जन्म होने के बाद भी मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई बात नहीं करता था, कोई शक्ल नहीं देखता था, कोई गालियां देता था। मतलब कंडीशन ये थी कि लव केयर अफेक्शन क्या होता है मेरे डिक्शनरी में नहीं था। एट द एज ऑफ 10 मुझे पॉइजन दे दिया गया। मैं बेड पे एक तरह से जिंदा लाश की तरह थी। फिर मैं रेकी थेरेपी से ठीक हुई, मैंने फिर से चलना सीखा, मैंने फिर से बैठना सीखा, एक तरह से मैंने अपने जीवन की फिर से शुरुआत की। मैं 4 साल की थी तब मेरा बाल विवाह कर दिया गया था। तब मैं 16 साल की हुई तो मेरे को गोना करके ससुराल भेज दिया। वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे मेरे साथ मारपीट और कुछ गंदी हरकतें हुई जो मुझे पसंद नहीं आई। फिर मैं पिता के घर वापस आ गई। मैंने आके पापा से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे, तो मैंने सारथी ट्रस्ट की कृति दीदी के बारे में न्यूज़पेपर में पता लगाया तो दीदी ने मुझे दिलासा दिलाई कि नहीं, कोई पैसे नहीं लगेंगे, तेरा बाल विवाह निरस्त हो जाएगा। देखिए, हम सिर्फ बाल विवाह रुकवा नहीं रहे, जिनका बाल विवाह हो चुका है, जो उस बाल विवाह के शोषण में जकड़े हुए हैं, हम उनको उन बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ादी भी दिलवा रहे हैं। इसी सोच के चलते इंडिया का फर्स्ट चाइल्ड मैरिज अनलमेंट हमने 2012 में करवाया, क्योंकि ये पहली बार था कि बाल विवाह होने के बाद उसका कैंसिलेशन भी एक सल्यूशन है, एक पॉसिबल है। तो इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, काफी रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। एक टर्म आपने सुना होगा, पढ़े लिखे गवार, ये वो बिल्कुल फिट बैठता है। टीचर जिसको हम मानते हैं कि वो एजुकेशन देता है, स्प्रेड कर रहा है एजुकेशन, उनके यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस रुकवाई है। जब ये बाल विवाह करते हैं तो इनके लिए कोई उम्र नहीं है, 10 महीने की बच्ची का भी बाल विवाह कर दिया जाता है, 11 महीने की बच्ची का भी बाल विवाह कर दिया जाता है। अब मैं जो भी हूँ दीदी की वजह से हूँ, आगे पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी। क्या पढ़ रही हूँ? मैं टीचर बनना चाहती हूँ पर मैं पुलिस बनूंगी। एक केस जो मुझे अभी याद आ रहा है वो सुशीला का है। उसकी 12 साल की एज में चाइल्ड मैरिज हो गई थी। कुछ समय बाद जब उसका गौना होने लगा 17 की एज में, तो एक रात को उसका मेरे पास कॉल आया कि आप मुझे बचाने आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं किसी ट्रक के आगे कूद जाऊंगी, ये लोग मेरा गौना कभी भी कर सकते हैं। एंड शी स्विच्ड ऑफ हर फोन। आप मानेंगे नहीं, मुझे 3 ड्राइवर्स से अलग अलग तरह से बात करनी पड़ी कि लिटरली मैंने उनको काउंसलिंग किया कि प्लीज चलो किसी को बचाना है। एट लास्ट मैं रात को 12-1 बजे यहाँ से जोधपुर से निकली बाड़मेर, उसको रात को हाईवे पे उसको ढूंढा, तो शी
रिकॉग्नाइज्ड मी बिना कोई व्यवधान के हम यहाँ जोधपुर पहुँचे. तो जो हस्बैंड है वो कोर्ट में आया और उसने कहा कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई, सगाई की बात चल रही थी, सगाई भी नहीं हुई. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ खड़ा हो गया जब कोर्ट ने कहा मैडम चाइल्ड मैरिज अनलमेंट तब होगा जब आप पहले चाइल्ड मैरिज प्रूव करोगे. फेसबुक एक्चुअली एक चाइल्ड ब्राइड को जस्टिस दिलाने में भी हेल्प कर सकता है. मैंने उसके हस्बैंड को फेसबुक पर ढूंढा. ही इज अ डेली अपडेटर, रोज का एक अपडेट फोटो या कुछ करता है. 7 years पहले उसके कुछ पोस्ट थे, कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिससे हमको लीड मिली. हम उसके कॉलेज पहुँचे, कुछ फ्रेंड्स के पास पहुँचे, वहाँ से हमने एविडेंसेस इकट्ठे किए, उन एविडेंसेस को हमने कोर्ट में प्रेजेंट किया और चाइल्ड मैरिज प्रूव हुई और फिर उसके बाद उस बच्ची का अनलमेंट हुआ. मैं एक्चुअली सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी थी. मैं रियल में भारत की बेटी बन गई थी और इसलिए मेरा सर नेम चेंज होके भारती बन गया, यानी कि मैं कृति भारती, भारत की बेटी बन गई.